मुंबई मेट्रो आज से शुरू, सफर करते वक्त बरतनी पड़ेगी सावधानी। पिंपरी चिंचवड में कोरोना बाधितों की संख्या 85,000 पार। सीआईआई के राष्ट्रीय टास्क फोर्स अध्यक्ष बने मुकुंद कुलकर्णी। अमरावती में अगले वर्ष सोयाबीन बीजों के दाम होगी दोगुने, अत्यधिक बारिश का असर। भंडारा अंबाई निंबाई माता का जागृत देवस्थान, भक्त नहीं कर पाएंगे इस साल दर्शन। गढ़चिरौली के मुठभेड़ C-60 जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। 6 माह पश्चात खुला यवतमाल का साप्ताहिक बाजार। थाने KDMC ने मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला जुर्माना। अकोला में क्रिकेट सट्टा अड्डे पर छापा, 3 गिरफ्तार। नागपुर में फिर से साइबर ठग ने लगाया पुलिस इंस्पेक्टर को चूना, उड़ाई 74,754 रुपए की रकम।